खेत पर सीमांकन के दौरान हुआ विवाद, 35 साल के एक युवक की मौत। खबर पैरार थाना क्षेत्र से है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई है। जमीन के सीमांकन के दौरान मृतक युवक पर हमला करने से पहले ही युवक की डर की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन युवक को शिवपुरी के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल ले गए, जहां मृत घोषित करने के बाद शव को बैराड़ थाना लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बारीलाल पुत्र कृष्णा प्रजापति निवासी ऊंची बरौद ने अपने लड़के संतम प्रजापति के साथ बैराड़ थाने पहुंचकर बताया कि आज शुक्रवार सुबह 11 बजे की बात है, उसके खेत का सीमांकन करने हेतु पटवारी एवं आरआई एवं गांव का चौकीदार हुक्मी परिहार एवं बह और उसका लड़का भूरा उर्फ राम स्वरूप प्रजापति, संतम प्रजापति एवं माता दीन शर्मा और उसका लड़का घनश्याम शर्मा आए थे। बताया कि हमारे और माता दीन के खेत एक ही मेड पे हैं, जहां आरआई और पटवारी ने सीमांकन किया तो करीब 15 फुट जगह हमारे खेत में निकल रही थी। पीड़ित ने बताया कि आरआई एवं पटवारी बोलने लगे कि करीबन 15 फुट जगह माता दीन शर्मा की तुम्हारे खेत में आ रही है, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसी बात पर मेरे लड़का भूरा उर्फ राम स्वरूप प्रजापति व माता दीन शर्मा व उसके लड़के घनश्याम शर्मा से आपस में कहा सुनी हो गई थी। इसी दौरान राम स्वरूप उर्फ भूरा प्रजापति उम्र 35 साल को वहीं अटैक आ गया और सदमे में आकर वहीं बैठ गया। उसके बाद परिजन उसे लेकर गांव आ गए थे, फिर गांव से जीप से शिवपुरी सिद्धि विनायक अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने राम स्वरूप उर्फ भूरा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शिवपुरी से लड़के राम स्वरूप उर्फ भूरा प्रजापति के शव को लेकर बैराड़ थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम संतम है। कहाँ के रहने वाले? बरौद के। तो अभी ये घटना हुई है, क्या कुछ मामला है? अरे मामला है, चीरा गाड़ रहा हो तू और गिद्दा गिद्दा वाला तो माता दीन घनश्याम तू जे माने माता दीन सब बलि ले गए मारे उड़ रहा हो तू घनश्याम पे खुलाई थी वो मारे लगे उड़ रहा हो तू और वो गिद्दा वाला तू तेन करो माधर चुत क्या नहीं देगा जमीन देगा इस चक्कर स्क्वाड पे खत्म हो बहरा का जाए। गिद्दा वाला का क्या नाम है? गिद्दा वाला का कोई नाम पता है? गिद्दा वाला का नाम पता नहीं है, पटवारी है तो बेचारे पटवारी ने कुछ नहीं बोली। गिद्दा जे माता दीन और घनश्याम जी नहीं कागत नहीं चीरा गाड़ रहे थे एक साल से परेशान कर रहा है और एक साल से परेशान कर रहा है। रिपोर्ट भी डाली मारो तुम्हें अब अभी रिपोर्ट कोई पाने दरोगा जी ने कोई नहीं सुनी सपा बिल्कुल मेरे पास रिपोर्ट भी है। तो ये खत्म हुआ है आपका कौन है? ये मेरा भैया है मुझसे बड़ा बुरा नाम है उसका। कोई सुनवाई नहीं करती पर से पल्ले कर। क्या नाम है दादा आपका? मेरा बारीलाल। कहाँ के रहने वाले? बरौदा के महाराजा। तो क्या क्या मामला, क्या घटना है? मई जमीन है नापत हो और मई में जबरदस्ती से लिए वो जबरदस्ती कौन कहता है? माता दीन बोरो कहते हो घनश्याम और ये वो मोड़ी गोलंड वो का कहते हो गद्दावर गद्दावर क्या कहते हैं? गद्दावर नो कहे जमीन तो तू देनी पड़े। तो अभी आज ये घटना हुई कैसे, क्या कुछ हुआ था? अरे कुलाई लेके उड़ रहा हो तो कुलाई लेके मार रहा हो वो सब बली सीधा कर रहा हूं खेत में तेरे में दबको मारो जान नहीं जान नहीं रहा मैं कौन कहता है कि माता दीन कैसे कोई सुनवाई नहीं भर दे तो साफ बहुत जा पटवाई को पाने दरोगा ने रुपया भरे थे मैं मारो तब रुपया भरे आए भी मेरे पास रिपोर्ट भी है हम गरीब आदमी मैंने मार भी खाए खाए कोई सुनवाई नहीं कर किससे लिया है पैसा? माता दीन ने पैसे दिए उसको पाने दरोगा का मैं मारो तो मुँह पे रिपोर्ट है कुछ नहीं सुनवाई करी मुँह पे उनको केस भी लगा दो तो पाने दरोगा ने मेरे पास भी रिपोर्ट है। कब की घटना है? जे अभी अगर 4 महीने 4-5 महीने भाई ने मारो बाकी मोड़ा ने माता दीन की ने जमीन नापांगा तो क्या हो गया है? अरे छतरी ले लेगा पहुँचाओ।
सपनी ले ला दाल रखे तो मैं चीरा कितने नहीं करी मैं क्या मैं ये थी नहीं नहीं मैं लंग वो मारो पर तुमने मारा तुम कछु नहीं करेंगे मैं तुम हम पैसा वाए तू ही हम तो मन दिक्कत है बहुत पंडित है सब काम हम बेसा पैसा पैसा बार बार कमान से नौका तो तू करवा सी मांग ना मर और नहीं पैसा तो इनको किसने मारा है चीरा गाड़ बे और नाप बे तई वो चार वो लिखी दवसन से और जान नहीं दिख रही।